नमस्कार। अब हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। टाइमलाइन पर एडिट की हुई वीडियो को वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए टूल बार में जाकर एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। एक्सपोर्ट विंडो खुलने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्रॉम वाले बॉक्स में टाइमलाइन ही चुना हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मेट के डब्बे में MP4 ही चुना हुआ है। ध्यान रहे कि आप यहाँ रेजोल्यूशन में 1920x1080 ही रखें। इसके बाद एस्पेक्ट रेशो आपको बदलना है। यहाँ पर जाकर आपको इसे 16 करना है और इसे 9। एक्सपोर्ट करने से पहले अपना वीडियो फॉर्मेट, रेजोल्यूशन और एस्पेक्ट रेशो को एक बार फिर से चेक करें। अब यहाँ नीचे जाकर एक्सपोर्ट फाइल के विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम लिख सकते हैं और अपनी फाइल की जगह चुन सकते हैं। अब यहाँ सेव के विकल्प पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करते ही शॉर्टकट में एक विंडो खुलेगी, इसे जॉब्स विंडो कहते हैं। आप यहाँ अपनी फाइल कितनी एक्सपोर्ट हुई है ये देख सकते हैं, साथ ही आपने फाइल कहाँ सेव की है ये वो भी दिखाता है। अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पर जाकर सेव के विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखें और जगह चुनें जहाँ आपको अपनी फाइल सेव करनी है। अब यहाँ सेव के विकल्प पर क्लिक करें। आपकी प्रोजेक्ट फाइल यहाँ सेव हो चुकी है। अगले वीडियो में हम जानेंगे शॉर्टकट के कुछ मूलभूत नियंत्रण के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टाइमलाइन पर अपने वीडियो और ऑडियो ट्रैक पर कैसे एडिट करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने वीडियो और ऑडियो ट्रैक पर फिल्टर्स कैसे लगा सकते हैं। फिल्टर विंडो लाने के लिए टूल बार से या फिर व्यू ड्रॉप डाउन से फिल्टर साइन पर क्लिक करें। फिल्टर्स यूज करने के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि हमें जिस भी क्लिप पर फिल्टर लगाना है उसे टाइमलाइन पर सिलेक्ट करना है। क्लिप सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर विंडो में एक हरे रंग का प्लस साइन देखेंगे आप यहाँ पर। इस साइन पर क्लिक करने पर आपको एक ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ स्टार वाले साइन के ऑप्शन में आपको ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले फिल्टर मिलेंगे। स्टार साइन के बगल में आप टीवी के स्क्रीन का एक साइन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉर्टकट के सभी फिल्टर्स मिलेंगे। लास्ट में एक साइन है स्पीकर जैसा दिखने वाला। यहाँ पर आपको ऑडियो के लिए फिल्टर्स मिलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइमलाइन पर क्लिप की शुरुआत में फेड इन किस तरह से लगाते हैं। टाइमलाइन पर अपने मार्कर या प्लेहेड को क्लिप के स्टार्ट में रखें और फिल्टर विंडो में जाकर फेड इन वीडियो सिलेक्ट करें। अब अपने प्लेहेड या मार्कर को क्लिप के एंड में रखें और फेड आउट वीडियो का ऑप्शन सिलेक्ट करें। डिसॉल्व फिल्टर डालने का सबसे आसान तरीका है कि एक क्लिप को उठाकर दूसरी क्लिप के ऊपर रख दें, इससे फिल्टर अपने आप आ जाएगा।
अब हम देखेंगे कि वीडियो टाइटल किस तरह से ऐड करना है। टाइटल ऐड करने के लिए आपको एक ब्लैंक फोटो की ज़रूरत होगी। अब हम इस इमेज को शॉर्टकट में लेकर आएंगे। इस इमेज को टाइमलाइन पर यहाँ पर रखेंगे जहाँ हमें टाइटल चाहिए। अब हम फिल्टर में जाकर टेक्स्ट फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फिल्टर ऐड करने के बाद काफी और ऑप्शन भी आ गए हैं। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का फॉर्मेट बदल सकते हैं और इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सबटाइटल्स के लिए आप यहां से टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। अगर आपको किसी क्लिप में टेक्स्ट नहीं चाहिए और सिर्फ थोड़ी सी क्लिप में टेक्स्ट चाहिए तो आप यहां से टेक्स्ट ऐड करें। टेक्स्ट ऐड करने के बाद जहां तक आपको टेक्स्ट चाहिए वहां पे जाकर अपने वीडियो को कट करना होगा। अब उस क्लिप को सिलेक्ट करिए जहां आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर में जाकर यहां से इस फिल्टर को डिलीट कर दे। ये करने से आपकी जरूरत वाली क्लिप पर ही टेक्स्ट रहेगा, ना कि पूरी क्लिप पर। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक से अधिक ट्रैक पर कैसे एडिटिंग की जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, ये वीडियो ट्यूटोरियल हमारे नए एडिटिंग सॉफ्टवेयर शॉर्टकट के बारे में है। शॉर्टकट सॉफ्टवेयर फ्री है और आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्टकट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप 64 बिट विंडोज इंस्टॉलर ही डाउनलोड करें। डाउनलोड पूरा हो जाने के बाद आप सॉफ्टवेयर को इस तरीके से अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करें। अब ऑल प्रोग्राम्स में जाकर सॉफ्टवेयर को ओपन करें। जब आप शॉर्टकट पहली बार ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी विंडो नहीं है वीडियो एडिट करने के लिए। हमें अपने एडिटिंग विंडोज लाने के लिए कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। हमें ये सेटिंग्स बस एक ही बारी करनी है। इसके बाद आप जब भी शॉर्टकट खोलेंगे तो ये इन्हीं सेटिंग्स के साथ खुलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जाकर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में हम थीम में जाकर सिस्टम सिलेक्ट करेंगे। अब हम अपनी प्लेलिस्ट विंडो खोलेंगे। प्लेलिस्ट विंडो खोलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है टूल बार में, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट का जो साइन देख सकते हैं इस पर क्लिक करें। दूसरा तरीका है व्यू ड्रॉप डाउन में जाकर प्लेलिस्ट के निशान पर क्लिक करें। टाइमलाइन विंडो लाने के लिए भी हम इन्हीं दो तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। टूल बार में जाकर टाइमलाइन के निशान पर क्लिक करेंगे या फिर व्यू ड्रॉप डाउन में जाकर
टाइमलाइन के निशान पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी टाइमलाइन आ जाएगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन विंडोज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दो छोटे बॉक्सेस हैं, इस पर क्लिक करने पर आपकी विंडो बाहर आ जाएगी और आप इसे इस तरीके से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप इस तरह से भी अपने विंडोज को समायोजित कर सकते हैं। अब आपका सॉफ्टवेयर रेडी है वीडियो एडिट करने के लिए। अब हम अपने वीडियो क्लिप्स को प्लेलिस्ट में लेकर आएंगे। अपना रॉ फुटेज प्लेलिस्ट विंडो में लाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अपने रॉ फुटेज के फोल्डर में जाकर सभी क्लिप्स को सिलेक्ट करें और इस तरह से अपने क्लिप्स को खींचकर शॉर्टकट के प्लेलिस्ट विंडो में ले आइए। दूसरा तरीका है, यहाँ पर आप ओपन फाइल का एक निशान देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अपने रॉ फुटेज फोल्डर से सारे क्लिप्स को सिलेक्ट करें और अब ओपन पर क्लिक करें। इस तरह से आपके सारे वीडियो क्लिप्स प्लेलिस्ट की विंडो में आ जाएंगे। जो वीडियो क्लिप आपको नहीं चाहिए वो आप अपने प्लेलिस्ट विंडो से हटा भी सकते हैं। आपको अपनी वीडियो क्लिप पर राइट क्लिक करना है और रिमूव के निशान पर क्लिक करना है। अपनी वीडियो क्लिप को टाइमलाइन पर लाने के लिए आपको अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना है और इस तरह से खींचकर टाइमलाइन पर ले आइए। आगे हम देखेंगे कि टाइमलाइन पर वीडियोस कैसे एडिट करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने फिल्टर्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक से अधिक ट्रैक पर काम कैसे करते हैं। एक से अधिक ट्रैक पर काम करना लाभदायक इसीलिए है क्योंकि आप एक साथ अपने क्लिप्स को एडिट कर सकते हैं। हम सबसे पहले एक वीडियो ट्रैक ऐड करेंगे जो कि हमारा मास्टर ट्रैक होगा। यहाँ पर आपकी जो मेन क्लिप है वो जाएगी। जब हम कोई क्लिप टाइमलाइन पर लाते हैं बिना कोई ट्रैक ऐड किए तो वो अपने आप वीडियो ट्रैक 1 में चली जाती है। अब हम वीडियो ट्रैक 2 ऐड करेंगे। एक बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर आपने वीडियो ट्रैक 2 पर कोई क्लिप लगाई है तो आपके वीडियो ट्रैक 1 की क्लिप नहीं दिखाई देगी। इसका उदाहरण हम यहाँ बता रहे हैं। अपनी मेन क्लिप को वीडियो ट्रैक 1 पर इस तरह खींच कर लाएं। अब क्योंकि ये काफ़ी लंबा क्लिप है और दूर का शॉट है, हम यहाँ पर एक छोटा पास का शॉट भी लगा सकते हैं। जो पास का शॉट वाला क्लिप है उसे हम वीडियो ट्रैक 2 पर लेकर आएंगे इस तरह। देखा आपने, दूर वाला शॉट नहीं दिख रहा, जो पास वाला शॉट था वो शॉट दिख रहा है। एक बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर आपने वीडियो ट्रैक 2 पर कोई क्लिप लगाई है तो आपके वीडियो ट्रैक 1 की क्लिप नहीं दिखाई देगी। इस तरह से आप वीडियो ट्रैक पर एक से अधिक क्लिप पर एक साथ काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक से अधिक ऑडियो ट्रैक पर कैसे काम करते हैं। अब हम यहाँ पर एक डायलॉग और एक म्यूजिक ऐड करेंगे। हमें फलों भैया हमें फलों की तुराई के समय बहुत सावधानी रखना चाहिए क्यों। आप कोई भी फ्री कॉपीराइट म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
भैया हमें फलों की तोराई के समय बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि फल तोड़ने समय। आपने सुना होगा कि म्यूजिक की आवाज काफी ज्यादा है और दीदी क्या बोल रही है वो सुनाई नहीं दे रहा है। म्यूजिक की आवाज को धीरे करने के लिए हम एक ऑडियो फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी ऑडियो क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर विंडो में ऑडियो फिल्टर में जाएंगे। ऑडियो फिल्टर में हम गेन या वॉल्यूम फिल्टर को चुनेंगे। अब आपको आवाज कम या ज्यादा करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। हमें फलों की तोराई के समय बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि फल तोड़ने समय फूल या तना टूट न सके। अगर फूल और तना टूट जाते हैं तो दूसरा फल नहीं आते। भैया हमें फलों की तोराई के समय बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि फल तोड़ने समय फूल या तना टूट न सके। अगर फूल और तना टूट जाते हैं तो दूसरा फल नहीं आते। अब आप सुन सकते हैं कि म्यूजिक का आवाज कम हो गया है। दीदी क्या बोल रही है वो ठीक से सुनाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप दीदी भैया की आवाज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। भैया हमें फलों की तोराई के समय बहुत सावधानी रखना चाहिए, कि अगर फूल और तना टूट जाते हैं तो दूसरा फल नहीं आते। ध्यान रखें कि आपकी सभी मास्टर ऑडियो ट्रैक की क्लिप्स बैलेंस्ड हो, मतलब समान हो। अगले वीडियो में हम जानेंगे शॉर्टकट के कुछ मूलभूत नियंत्रण के बारे में। धन्यवाद।